एंड वेलकम बैक टू स्टार शाइन्स। तो आज है सैटरडे, पर आज सैटरडे में मैं इतना कुछ खास नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मेरी आईज़ भी स्वेलिंग हो रखी है सारी। आज मेरी तबीयत ऐसी है तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ वेज पराठा और अपने लिए कुक नहीं करूँगी। मेरे लिए आदमी ईशा करेगी, तो गैस तक खाद भी नहीं जाएगा। क्या बनाएगी मेरे लिए? हम बनाएंगे, मैं बेलूंगी और पापा। हाँ, कुछ भी बनाना पर मेरे लिए तुम लोग बना देना। तो मैं इनके लिए वेज पराठा बनाती हूँ। मैंने कद्दूकस कर दी है सारी वेजिटेबल्स और अभी आने वाले ही होंगे। इतने मैं इन दोनों को बच्चों को खिलाऊंगी, इतने में वो आ जाएंगे। फिर आज मैं अपना काम उनके सर पर डाल दूंगी कि आज आप बनाओ और मैं खाऊंगी, क्योंकि कभी कभी मेरा भी तो मन होता है ना कोई मुझे खिलाए, चाहे जो भी करो पर जो भी खिलाओ, पर आज ये दोनों मुझे खिलाएंगे और मैं बैठ के खाऊंगी सैटरडे में। और इतने सारे सीरियल्स आएंगे, मेरे तो मजे आ जाएंगे। मैं तो सीरियल देखूंगी और खाऊंगी आराम से बैठ के। अभी मैं तुम दोनों को खिला दूंगी, है ना। पर मेरे लिए तो तुम्हारे पापा को ही कुक करना पड़ेगा। अभी वो आने वाले होंगे, 7:30 बजे आ जाएंगे। पर और ऐसे मैं हमेशा करवाती भी नहीं हूँ, है ना मीशा। पर आज मन हो रहा है कुछ करवाने का, तो पहले मैं फटाफट से बच्चों के लिए वेज पराठा बना देती हूँ। उसके बाद में इतने तुम लोग खाओगे, इतने तुम्हारे पापा आ जाएंगे। उसके बाद में मैं खाऊंगी बैठ के, और हो सकता है वो ना भी बनाए मेरे लिए कुछ। मैं तो कह दूंगी, मैं तो ये है मेरा मसाला मिक्स करना है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने, थोड़ा नमक, जरा मसाला देना पड़ेगा। इतने बच्चे कोई नहीं खाते हैं क्योंकि तुम खाते नहीं हो। मुझे मैं खा लेती हूं, मेरा भाई। हां श्रेया नहीं खाता। ये बनके रेडी हो गया है मेरा मसाला। अब इसका पराठा बनेगा। मैं सब कुछ डाला है। ये रहा मेरा स्टफ करने की। सब्जी का कलर कैसे आ रहा है? आटा। और मैंने तवे की गैस चालू कर दी है अपनी। तवे की गैस अभी तो कम कर देते हैं, मेरे से सिंगल भरना नहीं आता, इसलिए मैं डबल में भरूंगी पराठे। और ये मीशा ने अपनी प्लेट रेडी करके रख रखी है। यहाँ पर छोटी छोटी लोई मुझे बना लेनी है क्योंकि सिंगल में नहीं भरा जाएगा, इसलिए मैं इतनी छोटी छोटी सी अभी बेल के रख लेती हूँ। और जल्दी जल्दी से हम अपने पराठे बना लेंगे। मैं खाऊंगी दो ऐसे, एक और मैं बना दूंगी, फिर मैं दो के बीच में स्टफ करूंगी। मुझे इतनी सारी वेजिटेबल्स हो जाती हैं तो फिर वो लिक्विड ही सा हो जाता है मसाला, इसलिए हम जल्दी जल्दी भर देंगे। उसके बाद में सैटरडे नाइट इंजॉय करेंगे। सैटरडे अच्छा लगता है, अब इंजॉय करना है। हर कोई इंजॉय करता है सैटरडे नाइट। ये हमारी बिल्डिंग की हंसी की आवाज़ कैसे आ रही है? हम जल्दी जल्दी से भरना शुरू करते हैं। जैसे कि निकले नहीं, मुझे तो पता है भाई, अगली बार कभी बनाना।
ये लो मिशा। श्रियन तुम कब खाओगे? मैं कर रही हूँ वेट। मिशा खाना खा रही है अपना। मैं वेट कर रही हूँ, इतना टीवी भी देख रही हूँ, वेट भी कर रही हूँ। और श्रियन हो गया है गुस्सा क्योंकि मैंने उसके टॉयज उसको कह दिया है कि तुम साफ़ करो खुद, इसलिए वो टॉयज साफ़ करने के बाद में तब गुस्सा हुआ है कि मुझे क्यों बोला साफ़ करने के। श्रियन ये मैं खा रही हूँ खाना। तो वो ऐसे उल्टा होके लेटा हुआ है। श्रियन आ जाओ। अच्छा मैंने कर दिया है, अब आ जाओ। आओ अभी उसको गुस्सा होने का और बहाना मिल गया है। अभी ऐड आ रहे हैं मेरे सीरियल में, ऐड आएंगे तो मैं गायब हो जाऊंगी। और आज तुम्हारे पापा को बनना है शेफ, उन्हें बनानी है कुकिंग करनी है उन्हें मेरे लिए, क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ अपने हाथ का खा के। वैसे मुझे भूख भी नहीं लग रही आज तबीयत की वजह से। कोई बात नहीं, आने दो, क्या पता क्या सरप्राइज लेकर आते हैं। वैसे उन्हें कोई शौक नहीं है सरप्राइज देने का। सुनेंगे देखेंगे तो मारेंगे। श्रियन आओ। अब मैं इतने श्रियन को खाना खिला देती हूँ क्योंकि उसको गुस्सा होने का बहाना मिल गया। इतना लेट कौन होता है? इतना टाइम हो गया, अब उन्होंने तैयारी शुरू करी है अपनी। चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना बैठे रहते हैं, हमें क्या करते हैं। वीकेंड का वॉर। श्रियन मुझे देख रहा है कि क्या हुआ। वीकेंड का वॉर। प्रिपरेशन। अब क्या लाई मीशा? कैप्सिकम। सारी सब्जियां कटवट कर ली है। ये देखो चॉपर, जिस किसी को नहीं आती है कटिंग चॉपिंग, हाँ जिस किसी को कटिंग नहीं आती है करनी, वो इसमें कट कर सकता है, चॉप कर सकता है। गाइस ये मेरे पापा हैं और हम दोनों बना रहे हैं चिलो। ओके वो पीछे से श्रियन बोल रहे हैं, लाओ मैं बोलूं। बैटर को गाढ़ा और पतला देखते हुए मिशा गिर जाएगा नीचे। पूरे बढ़िया वाले शेफ हैं दोनों के दोनों। हम दोनों बना रहे हैं। आपको भी सीखना है तो हमें सैटरडे नाइट के मजे। श्रियन को भी सीखना है आज, तीनों मिलके बना रहे हैं। ऊपर बैठ जाओ। ये बहुत थोड़ा डालना, ये बहुत थोड़ा डालना। ये मुझे बहुत पसंद है। बोले मैं खाऊंगी पापा मेरे को खाना मेरे में। हरी मिर्च मत डालना। श्रियन के में हरी मिर्च डाल देना। भाई बताते भी रहो क्या क्या बन रहा है। ये चीला बन रहा है। ये चीला है। अब ये चीला नहीं है, अभी ये बैटर है। और ये मीशा अपने पापा की हेल्प करते हुए, जो कि मेरी ऐसे कभी नहीं करती है जैसे आज अपने पापा की कर रही है। हाँ तो मीशा ने ये सारी चॉपिंग कर दी है। वाह वाह, पहले श्रियन का बन रहा है। वैसे श्रियन का वेजिटेबल पराठा रखा हुआ है, उसने हाफ खाया था। ओके चलो
यहाँ पे सैटरडे नाइट के शेफ आ गए हैं दो दो। मैंने आपको बताया था ना दो कुकिंग वाले होंगे। चलो मैं दिखा देती हूँ कैसे बैटर डाल रहे। ये देखिए गोल गोल चीला। फ्लिप। अभी तो ये सिक्का भी नहीं, अपने आप फ्लिप हो जाता है। ये देखो कैसे खराब करते हुए खराब हो। अच्छा अभी सही हो जाएगा। ये तवा भी ठंडा था आपका। बराबर से चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला अच्छा बन जाएगा। और बेसन खोलते हुए ये देखो अरे देखो चॉपिंग किया कितना अच्छा निशान है। सारी वेजिटेबल्स डाल दी। ये इसमें भी है। हाँ। इसमें क्या क्या वेजिटेबल थी मीशा? टमाटो, कैप्सिकम, ऑनियन बस, और ग्रीन चिली। और ग्रीन चिली और ये हो जाएगा वैसे। इसमें नमक मिर्च मसाले सब चेक कर लिए बराबर से हैं? बराबर है। एक फ्रेम में तो ये आ भी नहीं सकते। इनका खाना आएगा या फिर इनकी खुद की फोटो आएगी क्योंकि ये लंबे इतने। एक बनने वाला है गोलू का सिंपल। आज के शेफ ये हैं और संडे के भी शेफ यही होंगे। सैटरडे के शेफ, सैटरडे नाइट के एंड संडे आल्सो। सुबह को फिर मैं उठा दूंगी, फिर से कुकिंग कराऊंगी। पर चीले से ज्यादा आपको कुछ आता ही नहीं है, कुकिंग भी क्या करोगे? चाय आती है, मैगी आता है। मैगी पहाड़ों वाली मैगी आती है आपको? बस अभी खेल रहे हैं। तुम्हारा कोई चीला बना दिया मैंने। गोलू का बन गया है और मैं थकी हुई, तबीयत खराब, आंखें सूजी हुई, चेहरा उतरा हुआ। हंसने की बात है इसमें? मुझे भी दिखा दो भाई। क्या दिखाना है? मैं खाना खिला रही हूँ उसको। अच्छा श्रीयन को खाना खिला रहे हो? सही है, वो अपने पापा के साथ ही खाने के इंतजार में है। और इसके पापा यहाँ पर पता नहीं क्या क्या सेट कर रहे हैं। वाह वाह वाह, पापा की चॉपिंग चॉपिंग। अभी शियान दूसरी बाइट खाएगा, फिर उसके बाद खाएगा दीदी। ये क्या रह गया था आपकी चॉपिंग में? कैप्सिकम। अच्छा शिमला मिर्च रह गई थी तो खुद चॉपिंग करके फटाफट से डाल दी इन्होंने। और क्या रह गया है? हो गया टेस्टी। अच्छा श्रीयन भी बता रहा है टेस्टी। कैसा लगा? टेस्टी। चलो सही है। तो यहाँ पर इन शेफ की मेहनत होती है वसूल, क्योंकि इनको बोला है टेस्टी। अब मैं बताऊंगी खा के कैसा लगा है। फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। फ्रेंड्स कैसे खाएंगे? फ्रेंड्स को तो घर पे बुलाना पड़ेगा। मैं खा लूंगी सबके हिस्से का। आप कॉल में मिलिए और हमारे पास आइए। वो कुछ ना कुछ बोल के जाते रहेंगे अब दोनों। तो मैं जाके बैठ जाऊं शेफ, आप ले आएंगे मेरे लिए? मैं ये क्लीन कर दूंगी सारा। हाँ ये सही है, ये मैं सारा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि जब ये कुछ करते हैं किचन में तो पूरा फैला हुआ होता है। कोई नहीं बैठ जाओ, मैं ले। कभी कभी ऐसे ये बैठ जाए। थैंक यू। इतने मेरा सीरियल भी शुरू हो जाएगा तो हम इतने बैठ जाते हैं। हाँ पीछे टीवी चल रहा है, इतने हम बैठ जाते हैं। हम बैठ के खाएंगे आज सैटरडे में। चलो।
ये बन गया चीला, देखो कैसा लग रहा है। चीला आ गया, मेरा चीला आ गया। वाओ, देखो टेस्ट करो। और अब आपके लिए एक बन रहा है अचारी चीला का एक्सपेरिमेंट। अचारी चीला जिसमें हमने डाली सांगरी। चीले का, हाँ सांगरी चीले का। मैं तो ये वो है मास्टर शेफ है। कैसा लगा? दिखने में भी अच्छा, खाने में भी अच्छा। ऐसे नहीं, 10 में से बताओ कितने मिलेंगे? 10 में से 11। अब मैं देना चाहती हूँ 10 में से 10। चलो अब हम एक बनाते हैं सांगरी वाला चीला। नहीं बेटा, एक मिनट। ये है चीला और इसमें हमने डाली सांगरी एक्सपेरिमेंट के लिए। दिखाओ इनको सांगरी कैसी होती है। और फिर आप खा के भी बताना कि चीला कैसा रहा। कोई ज्यादा फर्क नहीं कलर में, पर अच्छा बनेगा। तो देखो गाड़ी का एक टुकड़ा हो गया। फिर दोबारा करना पड़ेगा। ये देखो मेरी प्लेट खाली और पेट हो गया फुल। अब आपकी बारी। और लेना। नहीं, पेट भर गया। पालक और सारी वेजीज वाला अचारी। तो इसको हम नाम देंगे वेज अचारी चीला। तो ये तो इस पे टॉपिंग कर दोगे तो फिर तो पिज्जा ही बन जाएगा। श्रीयन, मीशा दो वापस। क्या है, हमारे घर में ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाजें अक्सर आती रहती हैं। पेंटिंग चलेगी अब श्रीयन की। तो वीकेंड का पहले बताओ, देखो किधर? अच्छा इधर। अब बोले बोल। तो हमने अपना खाना वाना खा लिया है, डिनर हो गया आराम से। मेरे अच्छे से बाबू ने मुझे खिलाया है बिठा के। नेक्स्ट सैटरडे भी ऐसे खिलाने वाले हो क्या? नो कमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मजाक था क्योंकि आज तो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए बनवा लिया मैंने। तो आप भी ऐसे ही अपने हस्बैंड से ट्राई करना बनवाना, खुश रहना। अपने हस्बैंड से नहीं, अपने बाबू से। अपने बाबू शोना से। चलो खुश रहना, ऐसे ही वीकेंड एंजॉय करते रहना और अपने अपने घर में अपने बीवियों की हेल्प करते रहना। और हम अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आराम करेंगे और ग्रीन टी पी लेंगे, मीठा खा लेंगे। वो तो जरूरी है। ग्रीन टी पियेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। ओके, तो बाय, गुड नाइट, मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टार शाइन्स। गुड नाइट, गुड नाइट मीशा, से गुड नाइट।